वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको स्पॉन्जी बंगाली रसगुल्ला बनाना बताऊंगी। बहुत से लोगों के कमेंट मेरे पास आए हैं कि आप रसगुल्ला बनाना बताएं, तो ये खास वीडियो आज मैं आपके लिए लाई हूँ। तो आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, साथ ही साथ कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें गाय का फुल क्रीम दूध लेना है, हमें पैकेट का दूध नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसको फुल फ्लेम पे मैंने अच्छा गर्म कर दिया है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। 5 मिनट तक इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा तब हम इसको फाड़ेंगे। तो चलिए 5 मिनट हो गया है, अब इसमें मैं लेमन का जूस ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 लेमन का जूस लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आप देख सकते हैं दूध जो है फट चुका है। इसको हमने 5 मिनट ठंडा करने के बाद ही फाड़ा है। एकदम गरम गरम दूध को नहीं फाड़ना है, वरना छन्ना जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम छान लेते हैं। छन्ने को छानने के लिए मैंने बाउल रखा है। बाउल में मैंने एक जर रखी है और उस पर एक पतला व्हाइट कपड़ा जो है मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अंदर अब हम छानेंगे। इस तरह पूरा हम दूध इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक और बाउल रखा है, तो इस कपड़े को हम उठाकर इसको दूसरे बाउल में रखेंगे इस तरह, क्योंकि अभी ये गर्म है। इस तरह इसका पूरा पानी हमें निकालना है। ये जो पानी बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम आटा गूंथने में, पराठे बनाने में और इडली बनाने के काम में ले सकते हैं। अब इसी छन्ने में मैं ठंडा पानी ऐड करूंगी। हाथ के हाथ ही हमें इसमें पानी डालना है, ज्यादा देर नहीं करनी है। और इसको अच्छे से हमें वॉश करना है, ताकि जो नींबू का जो रस है, वो जो खट्टापन है नींबू का, वो पूरा अच्छे से निकल जाए। इस तरह इसको उठा के हमें टाइट इसको छानना है, पकड़ के इसका पूरा जो पानी हमें निकालना है। ठंडा पानी डालने से ठंडा भी हो गया है। अब इस तरह दबाकर हमें छन्ने का पूरा पानी निकालना है। मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब इसको मैं एक प्लेट में ले लूंगी। देखिए पूरा पानी निकल चुका है। आप देख सकते हैं छन्ना जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको हमें मैश करना है। तो 2 तरीके से मैं बताऊंगी आपको कि हम कैसे इसको मैश करें। तो पहला तरीका यह है कि आप इसको प्लेट में ले और हथेली से दबा दबा के इसको मैश करना है। दूसरा तरीका यह है कि आप मिक्सी के जार में भी इसको मैश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी, क्योंकि हलवाई लोग भी ऐसे ही मैश करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं तो इसको मिक्सी में ही मैश करते हैं। तो मैंने यह मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैं ये ऐड करूंगी। इस तरह छन्ने को मैं इसमें डाल दूंगी टुकड़े करके इसको। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिक्सी में चला देते हैं, बाद में हमें इसको हाथ से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्सी में मैश कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। गैस पे मैंने कुकर रखा है और इसमें मैं ये 1 गिलास पानी ऐड करूंगी। आधी गिलास पानी मैं इसमें और ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 600 ml पानी ऐड किया है और ये मैंने शक्कर ली है 300 ग्राम। लेकिन 300 ग्राम शक्कर ऐड नहीं करनी है, अभी हमें इसमें थोड़ी शक्कर ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी शक्कर ऐड करूंगी, लगभग 80 ग्राम शक्कर मैं इसमें ऐड करूंगी। बाकी बची हुई शक्कर को हम चाशनी में काम लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल करना है और एक बॉईल आने तक इसको हमें पकाना है। अभी जो है हमें शुगर सिरप जो है ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, पतली ही बनानी है। ज्यादा गाढ़ी बनाएंगे तो रसगुल्ले जो है अंदर से पकेंगे नहीं और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। तो अभी हमें पतली चाशनी में ही इसको पकाना है। शुगर सिरप तैयार होता है तब तक हम पनीर के लड्डू बना लेते हैं। एक प्लेट में हम इसका सारा जो है बैटर निकाल लेंगे। पनीर को मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह दबा दबा के हमें इसको मिक्स करना है, ताकि अच्छे से और सेट हो जाए। अब इसके हमें छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, तो साइज जो है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह हम इसके पीसेस कर लेंगे और इस तरह हमें इसको हाथ से मैश करना है। इस तरह हमें गोल करते जाना है इसको, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं इस साइज का हमें लड्डू बनाना है, और जब ये पकेगा तो और इतना फूल जाएगा। लड्डू में बिल्कुल भी जो है क्रेक नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और यदि आप टोन मिल्क लेंगे तो उससे जो है कम पनीर निकलेगा, तो कम रसगुल्ले बनेंगे।
तो हमें फुल क्रीम फ्रेश मिल्क ही लेना है। आप देख सकते हैं 5 लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम पकाते हैं। एक बार हम शुगर सिरप को अच्छे से हिला लेंगे। आप देख सकते हैं पानी अच्छा बॉईल हो गया है। तो एक एक करके हमें इसमें लड्डू ऐड करने हैं। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। सारे लड्डू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो है मैं ढक्कन लगा दूंगी। एक विसल आने तक गैस की फ्लेम को हम फुल ही रहने देंगे। जब एक विसल आ जाएगी तो हमें 5 मिनट के लिए कम फ्लेम पे इसको पकाना है और बंद कर देना है। अब गैस के फ्लेम को मैं कम कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हमें घड़ी देख के इसको कम फ्लेम पे रखना है और फिर गैस को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देना है। हमें कुछ भी नहीं करना है। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर ही हम इसको खोलेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है। 20 से 25 मिनट हो गया है। तो चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे रसगुल्ले बनकर हमारे तैयार हुए हैं। कितने अच्छे फूले हैं आप देख सकते हैं। अब इसको मैं एक बाउल में निकालूंगी। रसगुल्ले को मैंने बाउल में निकाल दिया है और ये जो चाशनी बची है इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और जो बची हुई शक्कर है वो हम डाल देंगे और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। ज्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है। सिर्फ 5 मिनट तक हम पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं चाशनी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम ठंडी होने देंगे। 15 मिनट तक मैंने इसको रखा था। चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसको अब हम रसगुल्ले में ऐड करेंगे। देखिए कितने अच्छे रसगुल्ले हमारे बने हैं। तो मैं चाशनी पहले इसमें ऐड कर दूंगी फिर आपको रसगुल्ला भी बताऊंगी। भी शुगर सिरप बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही मैंने इसमें ऐड किया है। गरम गरम हमको इसमें नहीं डालना है वरना रसगुल्ले वापस से पकना शुरू हो गए तो ये हार्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए वापस से मैं इसको चाशनी में डीप करूंगी तो देखिए वापस से ये फूल गए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए रसगुल्ले को चाहे तो आप ऐसे ही खा सकते हैं और चाहे तो फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये रसगुल्ले हमारे काफी समय तक खराब नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और ठंडा होने के बाद भी इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। कितने स्पॉन्जी रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। रसगुल्ले बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें पैकेट वाला दूध नहीं लेना है। गाय का फुल क्रीम दूध हमें लेना है। और जब हम इसको पकाएंगे तो पतली शुगर सिरप में ही इसको हमें पकाना है और बाद में जब हम दूसरी शुगर सिरप ऐड करेंगे तो वो भी हमें ठंडी करके ही ऐड करनी है। राखी पे, होली, दिवाली या किसी भी फेस्टिवल पे आप इसे बना सकते हैं। बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।